सीएम की पुलता के साथ क्षेत्रीय समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। बेनीपट्टी में हुई निर्मम हत्या के विरोध में उतारा क्षत्रिय समाज के लोग। राज्य एवं केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने मेहमतपुर की घटना की सीबीआई जांच कराने एवं प्रति परिवार 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी को फांसी की सजा दिलाए सरकार। खजौली प्रखंड के मंगती चौक पर बेनीपट्टी मेहमतपुर के निर्मम हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज के लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के पुतले के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन सोनू कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने, अपराधियों को फांसी दिलाने की सजा एवं प्रति परिवार को 25-25 लाख रुपए देने की सहायता की मांग की। जो यहां पर बाबू वीर कुमार सिंह चौक पर पुतला दहन किया गया, बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर गांव में 5 ऐसे व्यक्ति को निर्महत हत्या किया गया कुछ गुर्गों के द्वारा, जो काफी ही निंदनीय है। जो परिवार कहीं न कहीं सीमा पर सुरक्षा करता था, उस परिवार के लोगों को कुछ सामाजिक रचना बनाकर सुनियोजित तरीका से कुछ नेताओं के राजनीतिकरण के बाद हमारे इस 5 जो ऐसे समाज के लोग थे उनको जो है सो मौत के घाट उतार दिया गया, और गोली मारने के बाद भी उन्हें फरसा से भाला से उन्हें काटा गया। कहीं न कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से अविलंब मैं कहना चाहता हूँ कि आप सीबीआई इस पर गठन करें और दोषियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल चलाते हुए उन्हें फांसी के फंदा पर ले जाएं। तो अगर नहीं ले जाते हैं तो यह क्षत्रिय समाज प्रतिबद्ध होकर पूरे भारत में आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार और बिहार सरकार की होगी। कुंदन कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद। पुतला दहन किया है, इसका आपको क्या मांग कर रहे हैं? आज पुतला दहन से हम क्षत्रिय समाज के सभी लोग, आज पुतला दहन नीतीश कुमार और विनोद नारायण जी का किया है, और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई का जल्द से जल्द गठन हो और सभी हत्यारों को फांसी की सजा हो, और नहीं देने पर सारे जितने भी हम क्षत्रिय समाज हैं कल सड़क पर उतरेंगे, और जिसका जो भी हर्जाना होगा वो बिहार सरकार का होगा। राणा नितिन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। बेनीपट्टी नरसंहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा का मिली भगत है। ये दोनों अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अगर दोनों अपराधियों को अविलंब फांसी पे नहीं लटकाया गया तो पूरे भारत के क्षत्रिय समाज एकजुट होकर पूरे भारत वर्ष में आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। नीतीश कुमार को 7 दिन का चेतावनी हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोरा मेरी के द्वारा दिया गया था। अगर 7 दिन के अंदर दोनों अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो क्षत्रिय समाज बाध्य होकर पूरे बिहार में नीतीश कुमार और विनोद नारायण झा नेता को घसीट कर मारने का काम। निखिल सिंह, ये जो सरकार है सिर्फ नीतीश कुमार तो सिर्फ शराबबंदी पे ही जोर शोर दिए हुए हैं, और पलटू मामा जितने भी चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो उनको सिर्फ शराबबंदी से ही काम है इनको। लेकिन अपराधी क्या कर रहा है, यदि शराब का थौक कहीं से जाता होता तो वहाँ के किसी बगल में किसी को गोली मार दे तो सबसे पहले शराब माफिया को पकड़ेगा, लेकिन गोली मारने वाले अपराधी को पकड़ने का ही काम नहीं करेंगे। और अभी वो अपने जो है सो पल्लू अपना झाड़ रहे हैं कि मांग क्या है कि जो नरसंहार हुआ है उन लोगों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। घर से एक जो जितने ही मरे हैं 5 उनके एक एक घर से सबको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यदि ये नहीं हुआ तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे ये सरकार। बिहार सरकार सोनू सिंह चौहान। स्वदेश वाणी।